योगी सरकार हो या मोदी सरकार, बढ़ती इतनी महंगाई बढ़ाई हुई कि आदमी को क्या डीजल पेट्रोल आलू सब खाना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर वो भी महंगा हो गया है। गवर्नमेंट कहती कि हम इतना कम कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, पेट्रोल के 12 रुपए कम किए हैं ये किए हो, लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, तब भी 128 रुपये में लगा हुआ पड़ा हुआ है बोर्ड। और गवर्नमेंट ने कहा कि वही लोग कह रहे हैं, डीलर लोग कह रहे हैं कि भाड़ा निकालेंगे, आप ही लोग निकालेंगे कि कहीं दूसरी जगह भाड़ा निकाल लेंगे। पेट्रोल के कुछ खास दाम कम नहीं हुए हैं, अभी भी 102 रुपए के समथिंग है, तो कुछ खास फ़ायदा है नहीं। 108 रुपए में था, 6 रुपए कम हुए, और कल रात में न्यूज आ रही थी कि 112 रुपए, सॉरी क्यों कम 20 साल, हाँ तो टोटल 12 कम हुए ना, लेकिन टोटल 6 रुपए कम आ रहे हैं आपके सामने रेट हैं। पेट्रोल पंप पे तो कुछ खास फ़ायदा है नहीं, अभी इलेक्शन का टाइम है, उसी के इशू है बस। ठीक है, फैसला ठीक ही है, चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे तो है ही है। फिलहाल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ये 5-6 रुपए से कुछ होना है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 5-6 रुपए से कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं कम हुआ। यदि ये बराबर कम होता रहे तब तो अच्छा है, नहीं तो ये कुछ नहीं, अभी 4 दिन बाद फिर वही रेट आ जाएगा। 12 रुपये कम, अभी ये 10 दिन में फिर वही हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, मतलब कंटिन्यू कम होता रहे, कुछ रेट हो जाएँ 80 तक तो भी सीमित है। हाँ तो दिवाली का तोहफा यही है कि मतलब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर पेट्रोल के दामों में बहुत काफ़ी मतलब सस्ता कर दिया पेट्रोल को, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब अब ये है कि रिया कुछ हमें तो लग रहा था और ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे, मगर उन्होंने एक टाइम पे काफ़ी रेट्स कम कर दिए, तो ये अच्छी बात है हमारे अगर यूपी गवर्नमेंट की भी, हम उसके लिए बहुत बहुत उनको लाइक धन्यवाद कहना चाहेंगे, और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक मोदी जी को एक धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने कम से कम 10 रुपये पेट्रोल पे डाउन किए लाइक, और डीजल पे हमारे टोटल पेट्रोल पे 10 और 2 रुपये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारे 2 रुपये कम किए, तो टोटल हमारी जो पेट्रोल पे दाम हमारे कम हुए 12 रुपये कम हुए, और डीजल पे भी हमारे 10 रुपये कम हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये चीज़ हेल्पफुल है। दिवाली के टाइम पे एक अच्छा देख रहे, लेकिन डिसीज़न बहुत ही अच्छा है इनका कहा जाए, पर हमारा जो लागू 12 बजे से होगा उसके लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, तेल के साथ साथ कड़वा तेल, ये सारी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से मैनेज होगा। कोरोना में जो है सबकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हालांकि जो है जो मध्यम स्तर के लोगों हैं उनकी जॉब चली जा चुकी है और बहुत ही समस्याएँ देखा जा रहा है, लेकिन हाँ एक पेट्रोल के दाम कम किए हैं, तो इस पर जो है इनके लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा सरकार का कि हाँ धीरे धीरे अपनी जनता के बारे में सोचा जाए और इस पर जो अच्छा निर्णय लिया जाए। उनका मिक्स रिएक्शन हमें मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम किए गए हैं वो ज़्यादा नहीं किए गए हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे इलेक्शन बता रहे हैं कि इलेक्शन आने वाला है इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। सत्यम मिश्रा, लखनऊ।